वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा होल नंबर, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि भी व्हाट इज होल नंबर, व्हाट अबाउट इट्स रेंज, सक्सेसर, प्रेडेसेसर एंड वन प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में भी क्या कर ली थी, स्टडी कर ली थी। अब देखो, अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कौन सी है दूसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी, कौन सी? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, अब कम्यूटेटिव मतलब जिसको हिंदी में क्या कहोगे, कर्म विनिमय। कर्म विनिमय, अब देखो कर्म विनिमय क्या होता है पहले तो वो समझ लो, इसका अर्थ समझ लिया तो काफी आसान हो जाती है। क्रम मतलब नंबरिंग, अपने नंबरिंग करते ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड रो में खड़ा है। और विनिमय मतलब एक्सचेंज, अदला बदली, अपनी चीज उसको, उसकी चीज अपने पास। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको कहती है कि जब आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, अब अपन ने ऑपरेशन देखे थे मैथ में, कितने ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन कितने होते हैं मैथ में, चार। कौन से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, चार ऑपरेशन हो गए। अब इन चारों ऑपरेशन के बाद आप अगर सोल्व कर रहे हो और आपका एक आंसर आ रहा है, वही आंसर आप नंबर को एक्सचेंज करके ले रहे हैं, तो वो क्या होती है? कम्यूटेटिव। काफी बोरिंग बात है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। आपने कोई दो नंबर ले लिए, जैसे मैंने ले लिया 2 और 3 ले लिया। अब हमारा चैप्टर है होल नंबर, आपको ये एग्जाम्पल भी किसमें ले रहे हैं, होल नंबर में से। होल नंबर यानी डब्ल्यू, क्या ग्रुप था डब्ल्यू का, वन से लेके, वन से था क्या, इन्फिनिटी तक है ना, जीरो आता है इसके अंदर, वन से तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो जीरो से लेके और इन्फिनिटी तक। आपने कोई दो डिजिट ले ली 2 और 3 और मैंने कह दिया एलिमेंट है किसके, डब्ल्यू के। ये का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब हिस्सा होना, भाग होना, अपने ने पढ़ा था ये चीज। अब 2 और 3 दो नंबर ले लिए, अब अपना कोई एक ऑपरेशन चूज कर लो चारों में से। जैसे सबसे पहले अपन क्या चूज करते हैं, एड चूज करते हैं, एड ऑपरेशन ले लिया। अब एड ऑपरेशन के बाद क्या है कि आपके दो नंबर है उनके बीच में आपने ऑपरेशन लगा दिया ऐड का, 2 और 3 कितने हो गए, 5। आपने ऑपरेशन लगा के ऐड कर दिया। अब प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय, नंबरिंग में अदला बदली, तो नंबरिंग में अदला बदली कर दो, जो पहले था वो बाद में, जो बाद में था वो पहले। अब आंसर निकालो, अब भी कितना आ गया, 5 आ गया ना। मतलब आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप किसी दो नंबर्स पे ऑपरेशन लगा रहे हो, दो नंबर पे क्या लगा रहे हो, ऑपरेशन लगा रहे हो, और आपका जो आंसर आया है वही आंसर कब आना चाहिए आपका, जब आपने नंबर की पोजीशन एक्सचेंज कर दी। नंबर की पोजीशन क्या कर दी, एक्सचेंज कर दी। अब देखो ये बराबर आ रहा है, तो मतलब अब आप क्या कह सकते हो, होल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन एडिशन। होल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। अब देखो होल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर एक नई चीज क्या है, अब आप लिख सकते हो कि आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी, कोई भी दो नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, उनके ऊपर मैंने ऐड की प्रॉपर्टी लगाई, तो ए और बी का जितना आंसर आया, ए प्लस बी का जो आंसर है वही किसका आया है, बी प्लस ए का है। मतलब इन दो को जोड़ोगे वही आंसर क्या आएगा, जब इनकी नंबर आपने क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए, तो क्या होगा कि होल नंबर फॉलो द एडिटिव, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। अब ये ऑपरेशन किसके, ये प्रॉपर्टी किसके लिए देखेंगे, दो नंबर पे कौन आया, सबट्रैक्शन, तो सबट्रैक्शन भी लेकर के देखते हैं। अब सबट्रैक्शन के लिए मैंने कोई दो नंबर चूज कर दिए, कौन से एक ले लिया 5 और एक ले लिया 8 ले लिया। अब ये दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है, W के एलिमेंट ले लिया अपन ने। अब देखो जब आप ये ऑपरेशन करोगे, ऑपरेशन क्या है, सबट्रैक्शन कर दो, 5 माइनस 8 कितने आएंगे, माइनस के 3, क्योंकि 8 बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है, तो आंसर भी किसमें आएगा, माइनस। अब क्या करना है, कम्यूटेटिव मतलब नंबर एक्सचेंज कर दो, 8 माइनस 5 अब कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आपका पहला आंसर था -3 और नंबर एक्सचेंज करने के बाद कितना आ रहा है, +3। क्या -3 और +3 बराबर होते हैं, बोल सर कभी नहीं होते, -3 इज नॉट इक्वल्स टू +3। अब ये जब दोनों आंसर ही बराबर नहीं है तो मतलब आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो आप क्या लिखोगे, होल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द सबट्रैक्शन। होल नंबर क्या करेंगे, सबट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। उसके बाद देखो तीसरा ऑपरेशन क्या है आपका, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए भी कोई दो नंबर चूज कर लो, जैसे मैंने 1 ले लिया 4 1 ले लिया 8 दो नंबर ले लिए। अब दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है, क्या दोनों होल नंबर है क्या, होल सर है, ठीक है। अब आप अपना ऑपरेशन लगा दो, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दो।
एक बार मैंने 4 और 8 के बीच में, और अगली बार मैंने नंबर क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। अब बताओ 4 8 का कितना होता है 32, और 8 4 का ये भी 32। अब दोनों बार आंसर सेम आ रहे, मतलब आप क्या लिख दोगे, अबे होल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ए मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए होल नंबर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। उसके बाद देखो चौथा ऑपरेशन क्या होता है, डिवाइड का होता है, तो डिवाइड का कर दो। आपके पास कोई दो नंबर है, जैसे मैंने एक ले लिया, एक ले लिया, जैसे एक ले लो 16, एक 8 और एक 16। अब डिवाइड करना है, तो पहले मैं 16 पे किसका डिवाइड कर दूं, 8 का। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो नंबर एक्सचेंज कर दो, अब 8 पे किसका डिवाइड कर दो, 16 का। अब बताओ 16 पे 8 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2। लेकिन क्या 8 के ऊपर 16 का डिवाइड कर सकते हो, पूरा पूरा नहीं जाएगा। 8 1 8 2 16। सबट्रैक्शन और डिवाइड के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर पा रहा है। ये हो गई अपनी एक प्रॉपर्टी, कौन सी, कम्यूटेटिव। अब देखो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी जिसको हिंदी में क्या कहोगे, सहचर्यता, सहचर्यता। अब देखो अपने जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हो सारी की सारी किसके लिए देख रहे हैं, होल नंबर के लिए, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, होल नंबर। अब देखो ऑपरेशन या प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव, एसोसिएटिव जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहचर्यता। सहचर्यता मतलब साथ साथ रहने वाले, साथ साथ जो रहते हैं, ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहते हैं, अब तक हमने दो ही नंबर लिए थे, ए और बी, दो ही नंबर मान रहे थे, दो ही संख्या ले रहे थे, कोई दो ही नंबर ले रहे थे। अब अपने पास कितने होंगे, कोई 3 नंबर होंगे, कितने होंगे, 3। अब चार ऑपरेशन है, पहले मैं बात कर लेता हूँ किसके लिए, ऐड के लिए। तो बताओ ऐड के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ इस हिसाब से होती है, गौर से देखना। तीनों को जोड़ दिया, इधर भी मैंने तीनों को जोड़ दिया, लेकिन फर्क क्या रहेगा, इसमें मैं पहले इन दो को जोड़ रहा हूँ जो आंसर आएगा उसमें ये जोड़ूंगा, इसमें पहले इन दो को जोड़ रहा हूँ आंसर आएगा उसमें ये जोड़ूंगा। अब अगर ये दोनों बराबर है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, वरना नहीं होगी। कोई 3 नंबर ले लो अपने पसंद के, एक ले लिया 2, एक ले लिया 4, एक ले लिया 5, तीनों के तीनों किसके एलिमेंट है, सर होल नंबर के है। अब देखो अब ये तीनों की वैल्यू इसमें रख दो, तो पहले मैं इन दो को जोड़ूंगा 2 + 4, और उसमें फिर क्या जोड़ूंगा, तीसरा नंबर, यानी मैंने 5 ऐड कर दिया। इसको सोल्व करो कितना आता है, 2 और 4 है 6, और आगे क्या है 5, 6 और 5 कितने हो गए, 11। यानी आपने ये वाली साइड सोल्व की, आपका आंसर आ गया 11। अब ये वाली करके देखते हैं, नंबर के आपके पास 2, 4 है 5, तो मैं पहले 2, उसके बाद है 4, उसके बाद 5। अब इसमें देखो पहले इन दो को जोड़ा था, अब की बार किनको जोड़ दो, इन दो को जोड़ दो, 2 और 5 और 4 कितने हो गए, 9, 9 और 2 कितने होते हैं, 11। अब दोनों कंडीशन में आंसर इक्वल आ रहे हैं, आपने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा और फिर उसमें थर्ड को जोड़ा, तब जो आंसर है वो किसके बराबर आ रहा है, जब आपने सेकंड और थर्ड को जोड़ा और उसमें किसको जोड़ा, फर्स्ट को जोड़ा, यानी यहाँ पे हर बार आंसर इक्वल आ रहा है। अब आप क्या कह सकते हो, होल नंबर फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और ऐड। ऐड के लिए होल नंबर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन क्या है, सबट्रैक्शन। अब सबट्रैक्शन के लिए यही रूल रहेगा, जहां प्लस है वहां क्या लगा दोगे, माइनस लगा दो। आपके पास 3 नंबर है ए बी सी, यही 3 नंबर यहाँ ए बी और सी। अब क्या करोगे, पहले इन दो को जोड़ा था, अब इन दो को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और उसमें से तीसरा सब्ट्रैक्ट करना है। अब पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट किया था, इस बार है पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो, उसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ए में से करो। अब देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता, कोई 3 नंबर ले लो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने 2, 3 और 4 ये कंटिन्यूस 3 नंबर ले लिए, तीनों के तीनों क्या होल नंबर के एलिमेंट है, क्या तीनों होल नंबर पे आते हैं। अब ये वैल्यू इसमें रख के देख लो, ए की जगह 2, माइनस बी की जगह 3 रख दो, और इसमें से क्या घटाना है आपको, 4 घटाना है, कितना आएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, नेगेटिव नंबर बड़ा है, आगे क्या है माइनस का 4। अब माइनस 1 और माइनस 5 दोनों ही माइनस के नंबर है, एड हो जाएंगे,
माइनस का कितना आ गया 5 आ गया। अब आगे वाला ये सॉल्व करके देखो, ए की जगह कितना रखोगे 2, माइनस बी की जगह 3 और सी की जगह क्या रखोगे 4, ये हो गया 4। अब 2 माइनस, अब 3 में से 4 में कितने आएंगे माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 2 प्लस 1 यानी आंसर कितना आ गया 3। आपने इस साइड का सॉल्व किया तो आंसर आया माइनस का 5, इस साइड का सॉल्व किया तो कितना आया 3। क्या दोनों इक्वल है, क्या माइनस 5 और 3 इक्वल है? नहीं है। अब अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या कह सकते हो कि आपके होल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। उसके बाद देखो तीसरा ऑपरेशन, तीसरा कौन सा है अपने पास है मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई में भी यही बात है, मल्टीप्लाई में वही तीन संख्या लेनी आपको ए बी सी, और इधर भी कितनी लेोगे 3 ए बी सी। अब पहले इन दो का गुणा कर दो जो आंसर है उसके साथ है तीसरे का, इसमें इन दो का कर दो जो आंसर है उसका इसके साथ कर दो। अब करके देखते हैं, कोई तीन संख्या ले लो, 1 2 3 ले ली मैंने, तीनों की तीनों क्या है होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब रख के देखो, वैल्यू रख के देखो क्या बराबर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अब मैंने ए की जगह क्या लिखा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसकी जगह 3, तीसरे की जगह क्या रख दिया 3। अब देखो 2 बन जा तो उसका 3 से करोगे तो 2 3 कितने हो गए 6 हो गए। अब यही वैल्यू इसमें रख के देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 मल्टीप्लाई, अब 3 2 जा 6 6 1 जा 6, क्या दोनों बार आंसर इक्वल आ रहे, आंसर इक्वल आ रहे, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है होल नंबर में, किसके लिए मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा के लिए। अब चौथा ऑपरेशन कौन सा रह गया डिवाइड। अब डिवाइड में आप फटाफट दिमाग लगाओ कि होगा या फिर नहीं होगा, करके देखते। आपके पास तीन थे ए बी सी, पहले मैं इन दो का डिवाइड करूंगा फिर इसका डिवाइड करूंगा, इधर ए बी सी, अब पहले इन दो का करूंगा उसका डिवाइड किसको दूंगा पहले वाले पे। तीन संख्याएं ले लो 2 4 8, तीन नंबर ले लिए मैंने, तीनों के तीनों क्या है होल नंबर है। अब ये नंबर इसमें पुट कर दो 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 8, अब इसमें पुट कर दो 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 8, करके देखो 2 पे 4 का डिवाइड दोगे कितना आएगा 1/2। अभी इतना तो पढ़ के आया फिफ्थ क्लास में, कैंसिल आउट कैसे करते हैं 1/2। अब आगे क्या है डिवाइडेड बाई 8, अब 1/2 पे 8 का डिवाइड करना है, तो अपन ने क्या सीखा है डिवाइड को किसमें कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, और आगे वाली संख्या का रेसिप्रोकल यानी उल्टा। अब ये कितना हो गया 1/16, 1 का 1 के साथ किया 1, 8 2 जा 16, आपने ये वाला साइड सॉल्व किया 1/16 आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, अब बताओ 4 पे 8 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, वही बात 1/2, अब 2 पे डिवाइड करना 1/2 का। अब मल्टीप्लाई डिवाइड को किसमें कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, आगे वाली संख्या का रेसिप्रोकल उल्टा, ये हो गया 1/2 था 2/1 हो गया, अब बताओ ये कितना आ गया 2 2 4। अब इस साइड है 1/16 और इस साइड है 4, क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, मतलब आपका जो होल नंबर है वो डिवाइड के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, डिवाइड के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है, आपकी दो प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी, पहली हो गई क्लोजर जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी, आज दो और पढ़ ली कौन सी, एक तो एसोसिएटिव और एक कौन सी कम्यूटेटिव। अब दो छोटी छोटी डेफिनेशन हो रहे, दो छोटी छोटी डेफिनेशन और देख लो उसके बाद। अब देखो अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, वितरण कैसे करना है। देखो आपके पास कई बार सवाल ऐसे आएंगे कि ए प्लस बी और बाहर मल्टीप्लाई कोई एक चीज से, जैसे सी से मल्टीप्लाई, अब आप क्या करोगे, अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण मतलब बांटना, सी को बराबर बांट दो दोनों में, मतलब सी को ए के साथ भी कर दो और सी को बी के साथ भी कर दो और बीच में किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह। अब ये साथ का मतलब है इन दोनों का गुणा, जैसे 2 + 4 है और इसका यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या करोगे 2 का 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 का 4 के साथ, अब बीच में जो भी साइन है वो यहाँ पे लगा दोगे, ये कितने हो गए 12। अब यहाँ माइनस होता तो आप क्या लगा देते माइनस लगा देते, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो आप क्या लगा देते
मल्टीप्लाई लगा देते। और यहां अगर क्या होता, डिवाइड होता, तो आप बीच में क्या लगा दोगे, डिवाइड लगा दोगे। ठीक है सर, इस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करते जाना है। अब बात आती है आपके एक छोटे से वर्ड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब अपने क्या कहते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। वैसे ही आइडेंटिटी को मैथ में कहते हैं तत्समक। क्या कहते हैं, तत्समक। अब आइडेंटिटी या तत्समक का देखो, ये होता है ऑपरेशंस के ऊपर। ऑपरेशन कितने थे, चार थे आपके। हर ऑपरेशन के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी निकलती है। बिना ऑपरेशन के कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बिना कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। आपको पहले ये देखना होगा कि आप ऐड की बात कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन की या मल्टीप्लाई की या डिवाइड की। तो पहले मैं ऐड की बात करता हूँ दोनों। तो ऐड के लिए आइडेंटिटी का मतलब ये होगा कि एक ऐसा नंबर जिसको आप किसी में भी ऐड कर दो, वापिस सेम आंसर आ जाए। यानी जैसे मैंने कहा फोर, फोर में आप एक ऐसा नंबर ऐड करो कि वापिस फोर आ जाए। क्या ऐड कर सकते हो, जीरो। तो मतलब जीरो आपकी क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। जीरो आपकी क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से मतलब है एक ऐसा नंबर जो किसी में भी ऐड करो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन ये आइडेंटिटी है या फिर नहीं, इसका परफेक्शन या इसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपस में इंटरचेंज करना है। ये 4+0 था, अब आप कर दो 0+4, तभी भी अगर आंसर नहीं बदल रहा तो कंफर्म है कि एडिटिव आइडेंटिटी है, वरना नहीं होगी। अब दोनों बार 4 आ रहा है तो मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अब मैं अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वापस 4 आ जाए। अब बहुत से बच्चों का जवाब है 0। लेकिन ये आइडेंटिटी है या फिर नहीं, इसका पता हमें किससे चलेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। अब कम्यूटेटिव का मतलब पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले। अब 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा, माइनस का 4। अब एक आंसर होता है +4, एक है कितना, -4। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो मतलब आपके सब्ट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। ऐड की आइडेंटिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अब देखो तीसरा ऑपरेशन क्या आपके पास है, मल्टीप्लाई। अब इसमें दिमाग लगाओ, जैसे मैंने 8 कह दिया, 8 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस 8 आ जाए। 8 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करोगे कि वापस क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 1, वेरी गुड। अब ये है या नहीं, मतलब ये आइडेंटिटी है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा, आपस में इंटरचेंज कर दो। 1 का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 8 से। अभी भी अगर 8 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी, 1। तो 1 को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। 1 को कहोगे मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक आगे चीज आएगी डिवाइड। अब डिवाइड की आइडेंटिटी